नाजरीन आदाब बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम ई विद्या लाइव चैनल नंबर टू पर और आपके साथ अगले आधे घंटे के सफ़र में मैं आपकी मेज़बान याशु गांधी और हमारा आज का जो सबक है उसका नाम है अच्छा लड़का जो कि है उर्दू विषय से और साथ ही ये जो जमात है वो दूसरी जमात के तालबा और तलिबात के लिए है और इस पर हमें आ, बहुत आ, विस्तार से जो जानकारी है वो मालूम फरहम करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हमारे विशेष टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आइए उनका भी इस्तकबाल करते हैं आपसे रूबरू कराते हैं हमारे साथ हैं अटल आदर्श विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सलामुद्दीन सर सर बहुत बहुत आपका इस्ताल है बहुत शुक्रिया यहाँ आप हमें दावत देने के लिए और आ, मैं आपको बताता चलूँ जैसा कि आपने तारुफ में कहा कि एक दूसरी जमात की, की किताब है और एक बहुत ही अच्छा मज़मून है बहुत अच्छा टॉपिक है अच्छा लड़का बिल्कुल अच्छा लड़का तो हमारे जितने भी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी जितने भी तलबा तलबात कैमरे के उधर इस क्लास को देख रहे हैं समझ रहे हैं तो वो सब अच्छे हैं तो पूरे ध्यान से इसको पढ़िए समझिए और इसके साथ स्क्रीन इस पर जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं दिखाए जा रहे हैं वो अगर आपके पास नोट नहीं है तो उसको पेन डाउन कर लें और उनके माध्यम से आप कर सकते हैं हमसे संपर्क हमारा ईमेल का जो पता है वो भी आप नोट कर और उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपना फीडबैक हमको दे सकते हैं तो सारे अच्छे बच्चों के लिए आज का सबक अच्छा लड़का सर ओवर टू यू शुक्रिया आ, मैं आ, आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं इस कहानी को पढ़ के आपको सुनाता हूँ फिर बच्चों के दरम्यान ही जो बच्चे हमारे दरम्यान मौजूद हैं या सुन रहे हैं उनसे मैं बातें करूंगा और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा जो बच्चे भी सुन रहे हैं आप सवाल जरूर करें तो आइए हम वक्त न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ इसे कि अच्छा लड़का सड़क के किनारे एक नल लगा है आज उसमें पानी देर से आया बहुत से लोग बाल्टी और घड़े लिए पानी आने का इंतजार कर रहे थे वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी वो अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी जैसे ही पानी आया आसपास खड़े लोग झपट पड़े और अपने अपने बर्तन भरने लगे कुछ लोगों के पास कई कई घड़े और बाल्टियाँ थीं उनको पानी भरने में काफी देर लग गई बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुंचने की कोशिश करती लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पा रही थी और वो पीछे रह जाती उसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी कासिम अपनी बाल्टी में पानी भरकर जब नल के पास से हटा तो उसने बूढ़ी औरत को देखा उसने आगे बढ़कर अपनी बाल्टी का पानी उसकी बाल्टी में डाल दिया बूढ़ी औरत खुश हो गई कासिम को दुआएं देने देने लगी और अपनी भरी हुई बाल्टी लेकर घर घर चली गई। सच है है लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के तो आपने देखा यहां एक छोटे से लड़के की कहानी बताई जा रही है कि एक छोटा सा लड़का किस तरह पानी के उसमें खड़ा है और जब पानी आता है आज पानी काफी देर से आया तो सभी पानी की लाइन में लगे हुए हैं बहुत से किसी के पास एक बाल्टी है किसी के पास कई सारे घड़े हैं कई सारे पानी रखने के बहुत सारे बर्तन उनके पास मौजूद हैं उस बर्तन के बावजूद एक बूढ़ी औरत किनारे में खड़ी है और वहाँ नहीं पहुँच पा रही है लेकिन बार बार वो पानी लेने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर पीछे हट जाती है इसी बीच एक नन्हा सा लड़का कासिम जो अपनी बाल्टी भर के वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि किस तरह एक बूढ़ी औरत परेशान हो रही है तो वो उसकी पानी अपने बाल्टी का पानी उस बूढ़ी औरत को दे देता है और फिर वो आगे चला जाता है वो बूढ़ी औरत उसे दुआएं देती है और एक बहुत अच्छा शेर कहती है जो कि हैं लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के तो वो इस कहानी के जरिए हम बच्चों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं सबसे पहले तो हम बच्चों से बात कर सकते हैं कि वो किस तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए एक दूसरे की मदद के लिए न हमें किसी उम्र की दरकार होती है ना हमें किसी ताकत की दरकार होती बस हमारे हौसले की दरकार होती यानी कि हमारे हौसले की जरूरत होती है हमारे हौसले की भी जरूरत होती है हमारे नियत की भी जरूरत होती है कि हम इस चीज को समझें कि कब किसको को जरूरत है, हम कब किस तरीके से किसी के काम आ सकते जी बिल्कुल आपने सही कहा बिल्कुल और जैसे हमारे दूसरी जमात के छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ अच्छे संस्कार अच्छी बातें अगर बचपन से सीड की तरह जी बिल्कुल एक उनके अंदर जाए तो जाहिर सी बात है कि वो आगे फले फूलेंगे वो 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 अच्छी चीज, अच्छी चीज बात जी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी और उनके व्यक्तित्व में में उनकी पर्सनालिटी भी आएगी आ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बिल्कुल यही है कि उनके मॉरल एजुकेशन से वैल्यू एजुकेशन से अकदार से उनको कैसे जोड़ा जाए उसी को लेकर पूरी कहानी आगे बढ़ती है तो इसमें फिर क्या करना? आगे इसमें बताया जा रहा है कि हम बच्चों से जब बातचीत करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसी कोई काम किया है या आपके आसपास कोई ऐसा काम देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं हम बच्चों को बहुत सारा मोटिवेट कर सकते हैं जैसे कि बच्चे किस तरह अगर किसी की पेंसिल टूट गई तो आप उनकी पेंसिल दे दें किसी को रबड़ नहीं है तो आप उनसे रबड़ दे सकते हैं तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हम बच्चों की मदद करके बच्चों को के अंदर एक वैल्यू डेवलप कर सकते हैं इस कहानी का जो मेन मकसद है वो यही मकसद है कि बच्चों के अंदर हम किस तरह एक वैल्यू डेवलप करें अच्छा वैल्यू डेवलप करे जैसे इसमें कासिम अब जब बच्चा कहानी सुनेगा तो हर बच्चे अपने आप को कासिम महसूस करेगा हर बच्चा अपने आप को वो अच्छा लड़का महसूस करेगा जो एक बूढ़ी औरत की किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है और उसके सामने उसकी सिर्फ नीयत है कि हमने मदद करनी है अगर हम दूसरी जमात से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर देंगे तो आगे चलकर उन बच्चों से एक ऐसे सोसाइटी बनेगी जो ऐसे, जो सभी के लिए मिसाल होगी इसी में हम आगे देखें जो बताया जा रहा है कि कहाँ सवाल जवाब के जरिए भी कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है और बच्चों को समझ में आया है नहीं आया उसके ज़रिए भी कोशिश की जा रही है जैसे देखिए कि ख़ाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से भरने के लिए कहा जा रहा है तो हम बच्चों से जब बात करेंगे तो सबसे पहले उनको एक पूरी कहानी सुना देंगे कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस कहानी का पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आई बच्चे जब अपना जवाब देंगे उस जवाब को देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जैसे बच्चों से हमने बात करी कि आपने देखा कि कासिम ने बूढ़ी औरत की मदद किस तरह की तो बच्चे जवाब देंगे कि कासिम ने बच्चों बूढ़ी औरत के पानी के जरिए मदद की तो बच्चों आप किसी दूसरे की मदद कैसे कर सकते हो बच्चों आपने कभी किसी की मदद की है तो तरह तरह के जवाब इन बच्चों के दरम्या से आएंगे उन्हीं जवाब की रोशनी में हम आगे बढ़ते चलेंगे और इसमें दो तीन चीज़ें इस सबक के ज़रिए बताएंगे जैसे एक दो कहानी बच्चों को फिर इसी से जोड़ के बता सकते हैं वो महात्मा बुद्ध की एक कहानी है और एक वो हंस की कहानी है कि राजा के दो बेटे हैं और एक हंस को एक बेटे ने तीर से मार दिया और तीर गिरता हुआ वो हंस दूसरे के पास आया अब वो दोनों फैसले के लिए जाते हैं दोनों भाई कहते हैं कि मेरा है हंस दूसरा कहता है मेरा है हंस तो बच्चों से बात करेंगे कि राजा के पास वो गए तो राजा किसके फेवर में फैसला करेगा कि हर बच्चे का अलग अलग जवाब आएगा फिर हम राजा का जवाब बताएंगे कि राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा है तो वो हंस उसको दे दिया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर हम वैल्यू डेवलप कर सकते हैं तो पहला काम जो इस सबक़ का है कि बच्चों के अंदर वैल्यू डेवलप करना क्लास का हर बच्चा जमात का हर बच्चा जो बच्चा इसे देख रहा है वो अपने आप को कासिम महसूस करेगा फिर दूसरा जो सबसे अहम काम है इस चैप्टर का कि हम बच्चों से जानने की कोशिश करें कि इसमें जो सबक के अंदर ग्रामर कवायद आए हैं या जो सवालत आए हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं वो उनको समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले टीचर उसे पढ़ेगा फिर बच्चे पढ़ेंगे उसके बाद हम बच्चों से फिलिंग द ब्लैंक्स कराएंगे जैसे हमने सभी बच्चे के पास किताब मौजूद है हम उनसे कहते हैं कि आप यहाँ स्क्रीन पर देखें या फिर आप यहाँ हमारे अपनी किताब में देखें तो बच्चों से हम बात करेंगे जैसे कि आज नल में पानी डैश से आया सामने लिखा हुआ है देर से या जल्दी से तो सारे बच्चे उसे अपने हिसाब से भरेंगे तो बच्चों से ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर सही भरेंगे जल्दी से तो इसे हम नोटबुक में लिखने के साथ साथ बोर्ड पर भी लिखकर बच्चों को बताएंगे कि वो किस तरह समझें और उसको हल करने की कोशिश करें फिर दूसरा सवाल आएगा कि बूढ़ी औरत अपनी बाल्टी लिए डैश थी बैठी थी या खड़ी थी तो बच्चे अपने आप कहानी की मदद से जवाब दे देंगे कि खड़ी थी तो हमने यहाँ फिल करेंगे और इसे बोर्ड पर भी लिखते चलेंगे ताकि बच्चे इसको लिख सके और साथ साथ सॉल्व करते चलें। फिर आगे प, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो बहुत डैश दिखाई दे रही थी परेशान या खुश तो मोस्टली बच्चे क्योंकि कहानी सुन चुके हैं तो वो जवाब देंगे कि परेशान दिखाई दे रही थी तो बच बच्चे इसे फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि डैश औरत बार बार नल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जवान या बूढ़ी तो हम यहाँ लिखेंगे जो कहानी में ज़्यादातर बच्चों का जवाब आ जाएगा तो बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी फिर आगे हम देखेंगे जो शेर आखिरी में था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे काम आते हैं जो दूसरों के तो ये हम एक एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को और फिर बोर्ड पर इसको चस्पा कर देंगे चिपका देंगे उसके साथ ही बच्चे अपने नोटबुक में भी इसे करेंगे इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी तक की तरफ जाएंगे इस दूसरी एक्टिविटी में हम देखते हैं कि ग्रामर बच्चों को बताएंगे इसी चैप्टर से जैसे बच्चों को कहेंगे कि आप एग्जाम्पल दिया हुआ है मिसाल दी हुई है उस मिसाल की मदद से इसको पूरा करना है वाहिद से जमा जिसे आम लफ्ज़ों में हम सिंगुलर पुलुरल कहते हैं वो बात करने की कोशिश करेंगे मिसाल है घड़ा घड़ा से हमारा बनता है घड़े उसी तरह बच्चों के सामने हमने एग्जाम्पल दी कपड़ा तो बच्चे बताएंगे नहीं बताएंगे हम दोनों हमारे पास क्लास में होगा तब फिर हम उनसे जवाब लेंगे तो कपड़ा से बच्चे कुछ बच्चे बताएंगे तो उसे बोर्ड पर लिखकर फिर बताएंगे यही सही है कपड़े।, कपड़े उसी तरह अंडा तो अंडे मुर्गा मुर्गे लड़का लड़के पौधा पौधे उसी तरह जूता से जूते ये जब हम बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कराएंगे कि एक और एक से ज्यादा जैसे घड़ा एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक से ज्यादा के लिए घड़े इस्तेमाल हो रहा है उसे अभी हम ये नहीं डिफिनेशन नहीं बताएंगे कि वाहिद किसे कहते हैं या जमा किसे कहते हैं तो वाहिद और जमा न बताकर उसे कहेंगे एक के लिए जब इस्तेमाल हो तो घड़ा और एक से ज़्यादा के लिए हो तो घड़े उसी तरह एक के लिए इस्तेमाल हो तो कपड़ा एक से ज़्यादा के लिए तो कपड़े उसी तरह एक के लिए इस्तेमाल हो तो लड़का एक से ज़्यादा के लिए हो तो लड़के ये हम कॉन्सेप्ट बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक और एक से ज़्यादा को जान सके और सबक के आखिर में हम हिंट दे देंगे कि एक को हम वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर की मदद से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे कि बच्चों से सवाल करेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो दुनिया है एक वाटर क्राइसिस की तरफ जा रही है पीने का पानी बहुत पूरी दुनिया में मुश्किल हो रहा है कई लोग तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड और होगी उसकी बड़ी वजह पानी होगी तो हम अभी बच्चों से बात करेंगे ताकि उन्हें पानी की इंपॉर्टेंस समझा सकें जो कहानी आया था कि नल में लगे हुए हैं तो पहले उनसे बात करेंगे कि लोग भीड़ में क्यों लगे हुए थे या बहुत सारे लोगों की लाइन क्यों थी तो ब, बच्चों के अल, जिनका जो एक्सपीरियंस होगा वो जवाब आएगा फिर हम उनसे बात करके बताएंगे कि भाई पानी अब हमारे यहाँ कम हो रहा है तो इसीलिए लाइन से लग के गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है तो हमें पानी का बेजा इस्तेमाल गलत इस्तेमाल नहीं करना है पानी को मिनिमम खर्च करना है फिर यहाँ उसी तरह के सवाल है कि नल के अलावा पीने का पानी हमें और कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों से हम ये जवाब लेंगे या फिर उनको काम के लिए छोड़ देंगे कि आप इसे घर से करके लाएं या बड़ों की मदद से करके लाएं कि नल के अलावा तो बच्चे जवाब देंगे कोई नदी से कहेगा कोई बारिश से कहेगा कोई तालाब से बोलेगा कोई समंदर से बोलेगा फिर उनको हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे कि पीने का पानी यहाँ से मिलता है और ये पीने का पानी नहीं होता, नहीं। होता है फिर दूसरा सवाल हम उनसे करेंगे कि हम दूसरों की मदद किस किस तरह कर सकते हैं तो यहां बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरों की मदद हम किन किन तरह से कर सकते हैं तो बच्चों से ही पूछेंगे कि आपने किसी दूसरे की मदद की है तो बच्चे अपने हिसाब से जवाब देंगे फिर उनको हम इस तरफ ले जाएंगे कि हम पेंसिल देकर मदद कर सकते हैं किसी साथी का बस्ता उठाकर मदद कर सकते हैं किसी क्लास में क्लास टीचर का कोई सामान नीचे गिर गया उनको देकर मदद कर सकते हैं सड़क पार करते हुए किसी को कुछ परेशान देकर उनकी मदद कर सकते हैं तो इस तरह हम उनके अंदर मदद का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर जब हम आगे आते हैं तो एक और फिर मिसाल है उसी तरह की जो अभी हमने एग्जाम्पल की थी कि सड़क सड़क से सड़कों तो उसी तरह नल नल से नलों उसी कॉन्सेप्ट को इस पूरे में क्लियर कराना है कि वाहिद और जमे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आगे बढ़ते हैं औरत तो औरतों फिर हम आगे देखते हैं बर्तन तो उससे हमारा होगा बर्तनों घर घरों और लोग लोगों तो इस तरह से हम बच्चों से बात करेंगे और भी बहुत सारे उनके पास सवाल होंगे उन सवाल की मदद से हम उनको वाहिद और जमा यानी कि एक और एक से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं इसको फिर होमवर्क के तौर पे भी हम दे सकते हैं कि आप घर से इसे लिख कर लाएं या फिर हम अपने पेरेंट्स की मदद से ऐसे चार पांच अल्फाज को सोच कर समझ कर लिख कर लाएं जो एक और एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है फिर बच्चों हम जानते हैं कि क्लास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें दो तीन चीज़ें आई हैं कि आप उनको लर्निंग बाई डूइंग ये जो सब काम हम कर रहे हैं उनको बच्चों को शामिल करके कर रहे हैं तो जब बच्चों को हम शामिल जैसे उनसे सवाल कर रहे हैं वो मदद दूसरों की किस तरह करते हैं कासिम ने किस तरह मदद की आपने किस तरह मदद की तो अब क्लास के दो चार बच्चों का हम नाम ले लेंगे जैसे रहमान ने कैसे मदद की पूजा ने कैसे मदद की दूसरी तो उस तरह क्या होगा कि बच्चे अपने आप को उस पूरी कहानी में महसूस करेंगे जब बच्चे अपने आप को पूरी कहानी में महसूस करेंगे तो वो एक ऐसी बीज उनके अंदर जैसा कि आपने कहा कि एक सीड डेवलप हो जाएगा उनके अंदर उस सीड की मदद से एक सोसाइटी ऐसी डेवलप होगी जहां सभी लोग अच्छे से रह सकेंगे फिर हम बच्चों को एक्टिविटी के तौर वापस लेकर आएंगे उनसे बात करते हुए कि हम जैसे देख रहे हैं कि बच्चों आपके सामने कुछ तस्वीर दी गई है उसका नाम लिखना है आपने जैसे बच्चों को हम ये तस्वीर दिखाएंगे बच्चों के पास किताब भी होगी हमारे पास टीचिंग एड होगा बोर्ड पे हम इस तस्वीर को चिपका देंगे उसे उसके बाद बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे सभी कहेंगे नल तो नल को हम लिखते कैसे हैं अभी हम बच्चों को दो हरूफ लिखना सिखा रहे हैं इन दो हरूफ की मदद से बच्चे लिखो अब बच्चे साउंड से कोशिश छोटे बच्चों को साउंड से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नौ में पहला साउंड कौन सा आ रहा है तो नून आ रहा है फिर आ, लास्ट में ल तो नल लाम तो इस तरह हम बच्चों को साउंड की मदद से लिखना भी सिखाएंगे नल बाल्टी तो फर्स्ट कौन 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 पहला अल्फाज को सा सा है है लास्ट है, उस पर हम बात करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों से पहले बा बाल्टी तो साउंड की मदद से भी बच्चे बड़ी आसानी से सीखते हैं तो साउंड पकड़ने की कोशिश करेंगे फोनेटिक फोनेटिक्स जी हम लोग पहले दूसरे

तो यहाँ देखेंगे कि बच्चों के सामने सुराही की तस्वीर होगी तो हम उनसे सुराही फिर सीन की आवाज़ फ़स्ट आ रही है फिर रे की आवाज़ आ रही है फिर अलिफ़ की आ रही है हा या इस तरह बच्चों को कनेक्ट करेंगे फिर जग तो सबसे पहले हर क्लास से हम इस फोनेटिक्स को साउंड को साउंड की मदद से बच्चों को इस सब्जेक्ट तक लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो यहां तक इजीली पहुंच सकें और आ, जुड़ सकें और जो मोइन मोटो है दो चीज़ें मोटो है मैंने शुरू में ही आपसे बात की थी पहली तो हम बच्चों के अंदर वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं कि वो अच्छा लड़का है तो अच्छे लड़के के अंदर खूबी क्या होती है तो पहली खूबी की बड़ों की मदद करना है <गणी> कहानी से फिर जोड़ेंगे कि किस तरह आपने देखा कि कासिम एक बूढ़ी औरत की मदद करता है अपने हिस्से का पानी उनको दे देता है इसी चिड़चे बुक में जब आगे बढ़ते हैं तो एक कहानी है कि दो बच्चे खेलने जाते हैं तो एक चिड़िया के घोंसले के घोसले से चिड़िया बाहर आ जाती है बच्चा चिड़िया का तो बच्चे उठाकर घर ले जाते हैं एक कहता है कि नहीं इसे हम छोड़ देंगे दूसरा कहता है कि नहीं हम इसे घर ले जाएंगे इसका अपना घर नहीं है फिर मम्मी पापा उसको समझाते हैं उनके लिए घर बनाते हैं और फिर जब बड़ा होता है तो उसको आसमान में छोड़ देते हैं तो बच्चों के अंदर मदद करने की टेंडेंसी कैसे डेवलप हो उसी तरह इस एक कहानी इसी किताब में आगे है कि दो ब, बच्चे खेल रहे हैं एक चोट लग जाती है क्रिकेट खेलते वक्त खून निकल आता है सारे बच्चे भाग जाते हैं उसी में से एक बच्चा उनकी मदद करता है उसके अपने हाथ से साफ़ करने की या पट्टी करने की या बने किसी भी चीज़ से साफ़ करने की कोशिश करता है तो बच्चों के अंदर बे यही है कि उनके अंदर हम वैल्यू डेवलप करें सोसाइटी में जब जाएंगे तो एक अच्छे इंसान बनकर जाएं ताकि सोसाइटी में किसी तरह का उर्दू लिटरेचर उर्दू अदब से उनको जोड़ा जा सके ये दोनों चीजें साथ में लेकर चल रहे फिर अब हम आएंगे आखिर में इसमें सवाल करेंगे बच्चों से अब हमने उनसे इन द ब्लैंक्स करवा लिया देखे हमने इन द ब्लैंक्स करवाया उसके बाद बच्चों को मिसाल के जरिए से वाहिद और जमा सिखाया उसके बाद हमने तस्वीरों की मदद से सिखाने की कोशिश की अब हम सीधे सवाल के जरिए सिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उनसे हम सवाल करेंगे नल कहाँ लगा हुआ था तो बच्चे जवाब देंगे कि गली में नल लगा हुआ था सबसे पहली लाए कि सड़क के किनारे एक नल लगा हुआ था बच्चों ने सबसे पहले कहानी में वही सुना था तो वो जवाब देंगे कुछ जवाब नहीं दे भी देंगे तो हम बोर्ड पे उसे लिख देंगे या फिर हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं उन स्ट्रिप्स को हम पेस्ट कर देंगे ताकि बच्चे उसे नोट डाउन कर सकते अच्छा इससे बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर वो सड़क में जा रहे हैं जैसे गली के किनारे या सड़क में जा रहे हैं तो उस चीज को एक जैसे कहते हैं कि वो उनको जहन में उनके बिल्कुल बिल्कुल ये नल है हमारी कहानी में भी एक जी, तो वो तो आस पास के डेली लाइफ से वो कनेक्ट हो सकेंगे आस पास के, के, हा, के को 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 माहौल चीज़ों ऑब्जर्व करना बिल्कुल तो भाई नल कहा लगा फिर दूसरा है कि लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे तो लोग पानी आने का इंतजार कर रहे थे उसी तरह फिर हम आगे देखते हैं कि बूढ़ी औरत बार बार कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी तो बूढ़ी औरत बार बार नल के पास पहुँचने की कोशिश कर रही थी बूढ़ी औरत ने कासिम को दुआएं क्यों दी तो दुआओं का एक बहुत बड़ा रोल है ख़ासतौर तो से जब हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें बड़ों से आशीर्वाद और दुआओं लेने का बहुत बड़ा रिवाज है और सभी इसको बड़ी अहमियत मानते हैं अब बच्चों को हम घर में भी डेवलप करते हैं कि अपने बड़ों को सलाम करना है पैर छूना है उनको आदाब करना है उनसे उनसे ब, ब, हमारे सर पर बड़ों ने हाथ रख दिया ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है तो ये आइडिया भी यहाँ से डेवलप हो रहा है कि क्यों दी क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की तो बच्चों के अंदर आएगा कि हम भी किसी की मदद करेंगे तो हमें भी दुआएँ मिलेंगी, मिलेंगी।, मिलेंगी हमारा जीवन सफल हो जाएगा हमारे ज़िंदगी में आगे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी फिर लास्ट क्वेश्चन इसका आता है कि दुनिया में अच्छे लोग कौन होते हैं तो उस आखिरी लाइन में देखेंगे हम किताब में बच किताब की मदद से कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के तो यहाँ लिखेंगे कि जो दूसरों के काम आ रहे हैं वही अच्छे हैं फिर बच टीचर उनको बताएगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो जानवर का काम है अपने लिए जीना दूसरों की मदद करना जब तक हम नहीं करेंगे हम इंसान हैं नहीं हैं अगर हम इंसान हैं तो हमने दूसरों की मदद करनी है अगर हम दूसरों की मदद नहीं करें तो हम में और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा तो इसी की तरह आगे बढ़ते हैं और जब हम देखते हैं तो बस एक छोटी सी और एक्टिविटी रहेगी क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं उन हाँ। एक्टिविटी उनको बहुत पसंद आती है तो अब उनसे हम क्या करेंगे कि खुश खत एक होता है जो जो लिखा हुआ है उसे देख कर लिखना है अच्छी राइटिंग में ताकि उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो सके तो बच्चों से हम खुश ख़त लिखवाएंगे ये सारी एक्टिविटी हमारी उसी तरह हो जाएगी आखिरी बच्चों से एक दो सवाल करेंगे कि आपको अपने साथ के दूसरों की मदद के बारे में अगर आपको कोई कहानी याद हो तो अपने साथियों को सुनाइए किसी भी बच्चे से हम बात कर सकते हैं कि आप मदद की कहानी सुनाइए तो इस चैप्टर में अभी तो इतनी हमने बताई आप कुछ बताएं अगर इसमें सवाल करना करें बहुत, बहुत अच्छी सीख आ, एक उनके व्यक्तित्व से उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई और बहुत सारे एस्पेक्ट जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छा इंसान उसकी क्या परिभाषा है दुआओं की बात की आपने तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन इसके अलावा हम जो फोल्टिक बात करें तो बहुत एक सबक में सबक इन सबक बहुत सारे सबक जुड़े हुए हैं और आ, बहुत जरूरी है बच्चों की पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई नहीं समझना है सिर्फ क्योंकि जब भी हम कोई जानकारी लेते हैं तो वो हमारे अपने भले के लिए भी होती है वो सिर्फ एक कोर्स नहीं हाँ, होता है नॉलेज नहीं है जो सिर्फ एक नॉलेज हाँ, नहीं तो है इसीलिए कि हम बच्चों से बात करते हैं और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं डेली लाइफ में ताकि वो उनको अपना समझ सके और अपना समझेंगे तो आ, उनकी लाइफ में वो चीज जाएगी तो फिर पूरी लाइफ वो चीज दिखे रिफ्लेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा पढ़ने का बेसिक मतलब ही यही है कि जो चीज आपने देखा सीखा वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर आपने अच्छा लड़का पढ़ और आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं है, तो, है ना। तो कोशिश हमारी यही होती है हर टीचर की बात आपने कही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए अपने वक्त निकालो हमारे बच्चों को ना केवल ये जो सबक है ये समझाया बल्कि उसके अलावा बहुत सारे सबक जिंदगी के बहुत सारे सबक आपने सिखाया बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी के साथ बच्चों वो सारी बातें याद रखिए जो अभी आपको इस कक्षा में बताई सर ने और इसी के साथ खुश रहिए प्रसन्न रहिए और अपना भी ख्याल रखिए अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए अभी के लिए इस सेशन में इतना ही नमस्कार